का बीएमसी चुनाव होने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं वार्ड नंबर 63 से एएमएम की उम्मीदवार सबिया आरिफ खान जी से। मेरा नाम है सबिया आरिफ खान और मैं एमआईएम की कैंडिडेट हूँ वार्ड नंबर 63 से। और आपकी एक्चुअल मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो सोशल वर्कर होने के हिसाब से मैंने स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी बनाए हैं। और मेरे अंकल हैं अब्दुल अहद खान, उन्होंने जोगेश्वरी वालों के लिए हमेशा मदद की है, उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचा है। तो इस बार भी उनका फोकस है कि वी हैव टू मेक अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर पीपल्स एंड वी विल मेक इट जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड जैसे वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाए। और स्कूल हो गई है, कॉलेज हो गई है, काफ़ी तादाद में लड़कियाँ वहाँ पढ़ती है, वहाँ के स्टूडेंट 5000 है, 5000 में से 3000 तो लड़कियाँ पढ़ रही है। और हॉस्पिटल से भी काफ़ी लोगों ने मतलब फ़ायदा उठाया है। और अब हम चाह रहे हैं कि हमारा फोकस है कि वी हैव टू गो फॉर अ हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे जोगेश्वरी में कोई इस तरीके का हॉस्पिटल नहीं है कि जो मतलब लोगों की कुछ सुविधा कर सके। और जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल भी है वो इस लाइक नहीं है कि जहाँ लोगों का इलाज हो सके। सो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे वोट करें, मुझे आगे बढ़ाएं, ताकि मैं एक हॉस्पिटल उनके लिए प्रोवाइड कर सकूँ जोगेश्वरी वेस्ट एरिया में। तो मैम, जैसा भी हर जगह कचरे का भी मामला था कि हर जगह गंदगी है, कचरा है, तो उस बारे में आप कुछ करना चाहेंगी आगे? यस ऑफ कोर्स, कचरों के वजह से ही पहली बात तो ये है कि बीमारी फैलती है। और जो कि हमारे काउंसिलर्स के वर्क होते हैं ये करना, मगर हमारे काउंसिलर ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कचरा भी साफ़ करने के लिए अब मुझे लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। तो जैसे कि हर एक जगह, मैं बहुत जगह सर्वे की हूँ अपने वार्ड में 63 में, तो बहुत जगह इतनी भारी तादाद में कचरा, गंदा पानी सब जगह जमा है, जहाँ इतने बड़े बड़े मस्कीटोज वगैरह है, जिसके वजह से वहाँ के बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि वो भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसिलर्स लोग तो कुछ भी नहीं किए, ये अब मैंने अपनी आंखों से देख ली हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पब्लिक का भरोसा रहे, मुझे वोट करे, आगे बढ़ाए। और जो ये काउंसिलर्स के काम है अब वो मुझे ही स्टार्टिंग करना पड़ेगा। हाँ, कहीं कहीं नहीं, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ हर जगह ही पानी नहीं है। आज भी मैं गई थी बैरमबाग में और मैंने बहुत जगह सर्वे करी हूँ, तो हर एक ने यही कहा है कि किसको वोट दें। बोले वोट मांगने तो बहुत आते हैं, 5 साल तक भी कोई शक्ल नहीं दिखाता है। बोले एक काम करो, आप हमें लिख के दो, बहुत से लोगों ने ऐसा किया। सो मैं तो श्योर हूँ कि मैं अगर चलो उनको लिख के भी देती हूँ, लेकिन जीत के आने के बाद तो मुझे उनका ये काम करना ही है, क्योंकि वो इतना परेशान है लोग पानी के लिए, और सब में ज़्यादा पानी और कचरा, हर एक गली में ये दो चीज़ का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया गया है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मुझे वो लोग वोट करें, मुझे आगे बढ़ाएं, और ताकि मैं उनकी दो प्रॉब्लम तो पहले सॉल्व करके दे दूँ। हमारे इधर कल जो स्पीच था हमारे लीडर का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, उन्होंने भी एक हॉस्पिटल प्रोवाइड किया है। वो एक्चुअल में भिवंडी में भी एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने जगह भी ले ली है, और वो जोगेश्वरी में भी हमारी भी हेल्प करेंगे और हम भारी तादाद में वोट देके उनकी हेल्प करें ताकि वो कुछ कर पाए। तो इंशाल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी हमारा साथ दिया है और वो हॉस्पिटल बनाने के लिए रेडी है, वो हमारी मदद करेंगे। बस ये है कि लोगों को थोड़ा समझ जाए और मुझे वोट दे के आगे बढ़ाए, मीम पार्टी को आगे बढ़ाए, और जितने भी हैं तो वहाँ पे हम हॉस्पिटल बना सकें। अगर मैं जीत जाऊँ तो सब में पहला मुद्दा यही है ताकि लोगों को वहाँ के तकलीफ़ ना उठाना पड़े। यस ऑफ कोर्स, ये इशू देखी हूँ मैंने, बहुत सालों से चलता आ रहा है। मेरे चाचा जो है अब्दुल अहद खान, उनके पास भी ये इशू आया था कि कॉलेजेस वगैरह लड़कियाँ नहीं जा पा रही है, बहुत दूर दूर है। तो उनको हम लोगों ने ध्यान में रख के अभी 5 साल 6 साल हुए हैं, तो हम लोगों ने कॉलेज प्रोवाइड किया है फॉर जेंट्स एंड लेडीज़ बोथ है, जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। कॉलेज का नाम है KHMW इंग्लिश कॉलेज, और BCom BMS दोनों है उसमें, डिग्री कॉलेज है और ओशीवरा पे है। तो वो कॉलेज हम लोगों ने इसीलिए बनाया कि जो लड़कियां दूर दूर मतलब नहीं जा पा रही है तो वो हमारी कॉलेज में आए। तो एटलीस्ट नाउ 3000 तक की लड़कियां हमारी कॉलेज में पढ़ रही है और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। उसके ऊपर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि लेडीज़ का ज़माना आ गया है, तो लेडीज़ों पे भरोसा है करके लेडीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। तो अब कोई मर्द ऐसा नहीं है कि जो अत्याचार करेगा। और मैम, जैसे अभी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, तो उससे आपकी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? पार्टी का फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो मुझे तो नहीं पता, बस मैं अपनी पार्टी लेके चल रही हूँ और मैं घर घर जाके अपना डोर टू डोर सबकी हेल्प मांग रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझे भारी तादाद में वोट देके जिताए, और बाकी जो भी पार्टियाँ हैं वो भी अपने हिसाब से काम कर रही है, करे सब,
देखते हैं अब किसका क्या होता है, मगर इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं किसी और की पार्टी से। क्या बोलूँ मैं, वोट फॉर काइट वोट फॉर राइट फॉर योर फ्यूचर।